श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री, पहाड़ी पर बसे शंकराचार्य मंदिर को निहारा, जाने क्या है महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर में पहुंच गए हैं। श्रीनगर के वक्सी स्टेडियम में पीएम बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्टेडियम जाते हुए उन्होंने एक जगह रुककर पहाड़ी पर बसे शंकराचार्य मंदिर को निहारा और हाथ जोड़कर नमन किया। इसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई हैं। शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में जवरवान रेंज पर शंकराचार्य पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। कश्मीरी हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि इस मंदिर में आदि शंकराचार्य ने दौरा किया था और तब से यह मंदिर उनके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह मंदिर और पहाड़ी का नाम शंकराचार्य पड़ा। कश्मीरी पंडितों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। शिवरात्रि के पर्व पर, जिसे कश्मीर में हेरात के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर घाटी तल से 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर से पूरे श्रीनगर शहर को देखा जा सकता है। मंदिर और निकटवर्ती भूमि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत केंद्रीय रूप से संरक्षित किया गया है। जम्मू कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट ने क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ मिलकर 19वीं सदी से इस मंदिर का प्रबंधन करता आ रहा है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर के वक्सी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। पीएम मोदी रैली के दौरान 6400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 3 दशक तक जिस कश्मीर की घाटी को लहूलुहान किया गया, आज वहां तिरंगा लहरा रहा है। बक्सी स्टेडियम को लेकर कहा कि इस स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और फीफा के मानक के रूप में इसका निर्माण हुआ है।